हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं एक रेसिपी भरवा आलू, जो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, हमने बहुत बड़े ना बहुत छोटे ऐसे आलू ले लिए हैं, जो थोड़े राउंड शेप में हैं, और इनको मैं छील के और ये स्कूप करके बताऊंगी इस तरह से हमें इसे करना है। हमने इसके लिए ली है 3 प्याज, 3 बड़े प्याज ले ली हैं, और ये जैसे एक पोथी लहसुन होता है ना, जैसे एक पूरा बन होता है, उसको पूरा छील ले, वो पूरा यूज हो जाता है। तो अगर ये मसाला आपका बसता भी है तो आप करेले में या कोई और भरवा सब्जी में बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मसाले मैं आपको जैसे जैसे डालती जाऊंगी वैसे वैसे दिखाती जाऊंगी। तो ये देखिए, पोटैटो पीलर की मदद से आलू वाले जो चक्कू होता है, आलू छीलने वाला, उससे हम छील रहे हैं आलू। उसको अच्छे से छील लेंगे। पहले आलू को हमने धो लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसकी वो निकल जाए। तो ये देखिए, इसी पिलर को लेके हम ऐसे गोल घुमाते हुए ना इसको ऐसे धीरे धीरे से गोल घुमाएंगे और इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें आलू भर के बनाना है, ये मसाला भरना है इस तरह से। और जो नीचे बच जाएगा ना, उसको भी थोड़ा सा हॉलो करेंगे। नीचे हमें आर पार नहीं करना है, उसका नीचे जो है जॉइंट रहना चाहिए। तो इस टाइप से हम सारे आलू कर लेते हैं, और जब हम मसाला भरेंगे ना तो इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस टाइप से करना है हमें इसे। तो आइए सारे आलू तैयार कर लेते हैं। तो जब तक आलू छील रहे हैं हम, तब तक ये प्याज और लहसुन, इनको मैं दोनों को पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, इतना बारीक हमें ये पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बना लेना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। सरसों का तेल है, ये मैंने पका लिया था, अभी पका के रखा हुआ है थोड़ा सा। ये 2 टेबलस्पून हम डालेंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें जीरा डालूंगी, जीरा साथ में मेथी और सौंफ। जीरा और सौंफ हमें 1-1 चम्मच लेनी है, और मेथी हम 1/4 टीस्पून लेंगे। और इसको गैस को धीमा कर देंगे और इसको हम भूनेंगे, जले नहीं, ऐसा हमें करना है। अब इसमें हम ये जो पेस्ट बना है ये डाल देंगे। देखिए, भून गया है ना जीरा वगैरह, तो ये पेस्ट डाल रहे हैं हम इसमें। इस तरह सारा मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको कि ये आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, ये भरवा आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। जरूर बना के देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। देखिए, ये जो प्याज है भुनना शुरू हो गया है, इसका पानी जो है वो सूखना शुरू हो गया है। इसी टाइम हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक ताकि बहुत अच्छे से भुन जाए, और 1 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ। आप चाहें तो शुरू में थोड़ा साबुत धनिया भी दरदरा करके डाल सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो। और ये डाल रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च टेस्ट के लिए। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। और इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुना होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। ये देखिए, मसाला जो है वो बिल्कुल सूख गया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर, और 2 पिंच हमने इसमें हींग भी डाला था, जो मेरा स्किप हो गया था। तो जो भी है इंग्रेडिएंट्स, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें, मैं वहां पर पूरा लिख देती हूँ। अब इस मसाले को हम ठंडा होने देते हैं। आप देखिए, पूरा अच्छे से ऐसे बाइंड हो रहा है ना, इतना हमें इसको भूनना है, तभी टेस्ट आएगा। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और देखिए कैसे अच्छा भुना हुआ है। अगर ऐसा भुना, और हमने ऑयल भी बहुत ज्यादा नहीं डाला है, आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसे ऑयल नहीं दिख रहा है ज्यादा। और ये मसाला आप अगर ऐसे भून लेंगे तो ये आपका प्रीमिक्स टाइप तैयार हो जाएगा। आप इसको भून के रख सकते हैं काफी दिनों तक, खराब नहीं होगा। जब भी करेले बनाए, टिंडे बनाए, जो भी बनाए, आप इस तरह से मसाला भर के बना सकते हैं। तो अब हम आलू में भरते हैं ये मसाला। तो ये देखिए, अब हम भर रहे हैं इसमें ये मसाला। अच्छे से दबा दबा के हम इसको मसाला भर देंगे और इसको ऐसे पैक कर देंगे। थोड़ा सा बाहर से निकलेगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है,
बट इस टाइप से आप इसको पैक कर देंगे। इसी तरह से हम सारे आलू भर लेंगे, इसको भी हम निकालेंगे और ऐसे इसमें सूखा मसाला अच्छे से भर देंगे। अमचूर डालने के बाद ना हमने इसको चख लिया है, यानी थोड़ा सा नमक और ये अच्छा होना चाहिए, तो टेस्ट करके जरूर देख लें इस समय भरने से पहले कि परफेक्ट है या नहीं। और इस तरह से करते हैं हम सारे आलू तैयार, देखने में भी सुंदर लग रहा है। हमने फ्राई पैन ले लिया है एक साफ वाला, और ये देखिए हमने 2 टेबलस्पून ही इसमें ऑयल लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं और जो हमने आलू को भर के रखा है, ये जो आलू हमने भर के रखे हैं, इनको एक एक करके इसमें छोड़ देंगे और इसको हमें फ्राई करना है। सारे आलू हम रख देंगे इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान भी है बनना। अगर आप मसाला पहले से बना के रख लेंगे तो ये झटपट बनने वाली सब्जी है और सब पूछेंगे कि ये कैसे बनाया है। तो इस तरह से हमने ये टोटल मिलाकर 7 आलू लिए हैं और मेरा मसाला जो है अभी भी बच गया है काफी। हल्का सा डालेंगे हम इसके ऊपर नमक, और इसको फ्राई होने देते हैं। और ये देखिए हमने गैस को बिल्कुल धीमा करके इसको कवर करके रख दिया है, तो हर थोड़ी देर में हम इसको चेक करते रहेंगे। तो हम कवर उठा के देख लेते हैं, हर थोड़ी देर में हम इसको चेक करते रहेंगे और ये गलने तक हमें, मतलब फ्राई होने तक इसको पकाना है। ये देखिए ऐसे कलर चेंज होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो दोनों तरफ से हम इसको करते हुए ऐसे पकाएंगे। ये आप देख रहे हैं ना हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया। इस तरफ से अगर इसका ये जो हमने कवर किया है ये निकल जाती है ना तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मसाला अगर निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको हल्के से पलटिए ऐसे। तो इसको उलटते पलटते हुए हम चारों तरफ से इनको सेक लेंगे, कैसे पोटली टाइप के आलू लग रहे हैं। इन पे हमने ऊपर से थोड़ा सा नमक भी डाला है, यकीन मानिए ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। और ये मसाला भी क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह नहीं है ना, तो बहुत दिन तक ये रह जाता है, खराब नहीं होता। इसको हम फिर से ढक देंगे और गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इंतजार करेंगे पकने का। तो आइए चेक करते हैं हम, ये देखिए अच्छी लहसुन की खुशबू आ रही है इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया ये कलर हो गया है इसका, इस टाइप से देखिए क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से हमको ना ये उलट पलट के सेक लेंगे। जो बिल्कुल धीमा बर्नर हो ना उस पे सेकें आप, और बीच में आप ना इनको बंद भी कर सकते हैं गैस को, थोड़ी देर ऐसे रख दें फिर दोबारा आप ऑन कर दें, तो ये अच्छे से गल जाने चाहिए। बहुत ही बढ़िया बनेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमने बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रख दिया है और इस तरह से ये टिक्की की तरह क्रिस्पी हो गई, आवाज सुनिए बहुत ही बढ़िया। और इसका एक दो का ये निकल गया है आलू का, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर आप ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया ये आलू बनकर तैयार है। और इनके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, इसको थोड़ा देर अब ढककर रख देंगे। ये देखिए और गल गए हैं, हमारा जो नाइफ है ना वो आराम से जा रहा है इसके अंदर, देखिए गल गए हैं आलू बिल्कुल। तो इसको करते हैं बंद, गैस को करते हैं ऑफ और प्लेटिंग करेंगे फिर इसकी। और ये देखिए हमारी ये यम्मी से लगने वाली रेसिपी जो है वो बनकर तैयार है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है कि आलू गल जाएं, बहुत बड़ा साइज आलू का नहीं लेना है। और ये देखिए कितने बढ़िया ये आलू तैयार हैं, और इनके अंदर जो है सीक्रेट मसाला है। ये देखिए जैसे मैंने स्लैब को साफ करके एक आलू रख लिया है, मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत बहुत यम्मी लगते हैं, आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ये आलू बने हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए अंदर आलू का मसाला है और बहुत अच्छे से ही गल गए हैं, है ना मजेदार रेसिपी। तो बस
पेशेंस के साथ बढ़िया से बनाइए और ये गल जाने चाहिए और क्रिस्पी रहेंगे खाने में। अब लास्ट में जो हमें गार्निश करना है ना, वो हम करेंगे। थोड़ा सा मैंने ये मसाला बनाया हुआ है दही भल्ले पे डालने का, तो हम थोड़ा सा मसाला जो है ये सब पे बुरकेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि आलू हल्के से हमने नमक डाला था इसको फ्राई करने में, पर हल्के से वो होते हैं फीके लगे हैं, इसलिए आपको ये डालना है। और थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी क्रश करके डालूंगी इनको इनके ऊपर, और यकीन मानिए ये बहुत बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। एक नई रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।